जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे एलसीएम निकालने का एक अनोखा तरीका, जिससे आपको क्वेश्चन देकर के लगेगा कि एलसीएम निकाले या फिर हम लोग कार्टून का वृक्ष बना रहे हैं, यानी कि कार्टून द्वारा कार्टून के तरह जैसे वृक्ष बनता है उस प्रकार से आपको क्वेश्चन देख करके लगा होगा यानी कि ये वृक्ष ही बन रहा है। तो आज हम ये एलसीएम निकालने के लिए एक अनोखा तरीका सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन को टाइप बाई टाइप समझें। टाइप नंबर ए, टाइप नंबर बी और टाइप नंबर सी। हम टाइप नंबर वन यानी कि ए और टाइप नंबर बी को हम इस तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि आपको टाइप नंबर सी बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। तो देखिए, टाइप नंबर ए में सबसे पहले कितना दिया हुआ, पहला नंबर बॉक्स में 440 यानी कि 440 आपका नंबर दिया हुआ। उसके बाद एक और बॉक्स नीचे की ओर खींचा हुआ और इस बॉक्स में 2 दिया हुआ, और इसके बाद एक और इसी से निकला हुआ एक और बॉक्स है जो इसमें आपका रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह यानी कि बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स में आपकी दे दिया गया है नंबर, और इस बॉक्स में आपका नंबर नहीं दिया हुआ। आपको इसमें नंबर ज्ञात करना होगा और इस वाले बॉक्स में नंबर ज्ञात करना होगा। उसके बाद ये नंबर यहाँ से भी बॉक्स 2 बनाया गया है, और इस वाले बॉक्स में आपका नंबर दे दिया गया है, और इसके बाद इस वाले बॉक्स में नंबर ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम से बहुत आसान तरीके से आप इसे भाग विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे आप बनाने के लिए 2 तरीका अपना सकते हैं, या तो फिर आप एलसीएम निकाल सकते हैं जैसे कि 440 यानी कि 440 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, या फिर आप इससे भाग देकर के भी बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहले एलसीएम के माध्यम से। तो 2 से हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, 2 जा 4 और ये 0 का 0 यानी कि 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर देखिए 2 से ही लगेगा क्या होगा 1, और फिर क्या हो जाएगा 1, और फिर क्या होगा 0। अब हम फिर से अभी 2 से लगा सकते हैं तो क्या होगा 5 × 10 और 5 × 10। उसके बाद फिर हम 5 से लगाएंगे और क्या आ जाएगा 11। चलिए, ये जो आपका हुआ एलसीएम विधि से आप इसे बॉक्स को भर सकते हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा आसानी होगा जो हम इसे भाग विधि से बना सकते हैं। चलिए देखिए, यानी कि आप सब लोग तीर चलाना यानी कि आसानी तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि तीर को चलाना। ठीक है, अगर आप लॉकडाउन में रामायण देखे होंगे तो बिल्कुल रामायण में राम जी रावण को किस तरीके से तीर के माध्यम से वध किए थे, उस तरीके से आप समझ लीजिए कि तीर क्या है और तीर चला देंगे तो क्या होगा। चलिए फिर इसके अलावा फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि समझ लो कि ये आपका समतल दर्पण का मिरर है। ठीक है, और यहाँ से कोई बच्चा टॉर्च जलाकर यानी कि टॉर्च के माध्यम से लाइट इस मिरर पर जला रहा है तो क्या होगा, यानी कि जस्ट साइंस के माध्यम से अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन, तो किसी दर्पण पर पढ़ने के बाद जो उसका प्रकाश होता है रिवर्स होकर उसी माध्यम में लौट आता है, यानी कि आधे प्रकाश के किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से हम इधर से यानी कि भाग लगा रहे हैं तो एलसीएम किधर आएगा, इधर आकर के भर जाएगा, यानी कि हम इधर से तीर चला रहे हैं और इसमें भाग लगेगा, और भाग लगे हुए जो भागफल होगा इसी बॉक्स में आकर के भर जाएगा। तो चलिए देखिए, 440 में हम 2 से भाग लगाते हैं, 440 में 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो ये 4 कट जाएगा पूरे, उसके बाद फिर ये 4 को उतारेंगे और फिर क्या होगा 2 × 2 = 4 ये पूरा कट जाएगा और क्या बचेगा 0, और 0 कहाँ लिखा जाता है, यहाँ भागफल में, यानी कि जब इस 2 से तीर चला करके भाग लगाए इस वाले संख्या में यहाँ पे क्या आ गया 220। चलिए अब देखिए, यानी कि इधर वाले बॉक्स में आपका नंबर दिया हुआ था और इस बॉक्स में हम तीर चलाकर यानी भाग लगाए, ये वाला जो बॉक्स था यानी इसका संख्या यानी बॉक्स का संख्या मिल गया यानी कि प्राप्त हो गया ये बॉक्स में। चलिए इस प्रकार से अगले जो बॉक्स है इसमें संख्या दिया हुआ है और आपको ये वाला बॉक्स को भरना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या से और क्या आप इधर से तीर चला करके भाग लगाएंगे, यानी कि इस वाले बॉक्स से
तीर चला करके हम इसमें भाग देंगे तो ये वाला संख्या यानी ये वाला जो बॉक्स है संख्या से भर जाएगा। जैसे कि 110 से हमें भागा देना है 220 में, तो कितना से गुना करेंगे यानी कि 2 से गुना करेंगे। 0 में 2 से गुना हुआ था 0, 1 में 2 से गुना हुआ था 2 और फिर 1 में 2 से गुना हुआ था 2, यानी कि इस प्रकार से पूरा कट जाएगा। यानी कि जब हम 102 से 220 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा भागफल 2 और इस बॉक्स में क्या भर जाएगा 2। चलिए यानी कि इधर से हम तीर चलाए तो ये वाला बॉक्स भर गया, इधर से तीर चलाए तो ये वाला बॉक्स भर गया। और आसानी तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं, अगर ये बॉक्स को भरना है तो आप इस वाले दो जो संख्या का दिया हुआ है इस वाले बॉक्स से आप तीर आसानी से चला सकते हैं और तीर चलाने के बाद इसमें भाग लगेगा और भाग लगने के बाद ये बॉक्स से भर जाएगा। तो देखिए 110 में आपको 2 से भाग लगाना है, क्या होगा 5 से लगाएंगे तो 5 गुना के 10 घटाएंगे इसको 1 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे और 5 गुना के 10 ये पूरा पूरा कर देगा 0, यानी कि 55 आएगा। कितना संख्या आएगा 55। अब ये 2 से हम इस 110 में बॉक्स में अगर तीर चला करके भाग लगाए इसमें कितना आंसर भरेगा 55। चलिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं टाइप नंबर 2 में। और टाइप नंबर 2 से हम समझते हैं कि अब किस प्रकार से हमें तीर चलाना होगा या कौन सा बॉक्स भरना है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में पहले ही खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके बाद इस वाले बॉक्स में संख्या दिया हुआ, फिर इस वाले बॉक्स में संख्या दिया हुआ, उसके बाद फिर इससे निकला दो बॉक्स एक संख्या में बॉक्स में, एक बॉक्स में आपका संख्या दिया हुआ और एक बॉक्स में संख्या नहीं दिया हुआ। तो आप इस वाले टाइम में पढ़े इसमें अगर संख्या दिया हुआ तो इससे हम अगर तीर चला करके भाग लगाते हैं तो ये वाला संख्या भर जाता है, या फिर इससे हम अगर तीर चला करके इसमें भाग लगाते हैं तो ये वाला बॉक्स भर जाता है। लेकिन इस बार आपको इसमें यानी कि संख्या ही नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, चलिए ये जो जो संख्या दिया हुआ बॉक्स में तो आपस में मिल जाता, मिलना मतलब जस्ट दोस्ती करना, और दोस्ती करना यानी कि आपस में गुना करके ऊपर की ओर बढ़ जाता। जैसे कि एक व्यक्ति कोई काम करके कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा तो उससे कुछ ही बैंक में पैसा भरेगा, लेकिन कोई दो व्यक्ति यानी कि काम करके पैसा इकट्ठा करके एक ही बैंक में अगर पैसा जमा करता है तो उसका पैसा कुछ ज़्यादा जमा होगा। तो देखिए 3 में अब 45 यानी कि इस कंडीशन का अगर बॉक्स भरने के लिए रहेगा यहाँ पे तो इसमें गुना कर लेंगे, यानी कि अब गुना कीजिए 45 में 3 से गुना कीजिए, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 की आई 15 हासिल का 1 बचा, 4 की आई के 12, 12 और 1 13 यानी कि 135, यानी कि इसमें और इसमें यानी 45 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। गुना करके चेक कर लीजिएगा 5 की आई के 15 हासिल का 1 बचा, 4 की आई 12, 12 और 1 13 यहाँ भर गया। चलिए ये बॉक्स भरने के लिए भी आप जान गए। उसके बाद हम इसी टाइप में पढ़ लिए हैं कि इस वाले बॉक्स में अगर संख्या है और एक और बॉक्स में नीचे का संख्या दिया हुआ है तो हम यहाँ से तीर चला करके इसमें भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद पुनः भाग लगने के बाद जो भागफल होता है वो इस वाले बॉक्स में भर जाएगा। अब देखिए 9 से हमें भागा देना है कितना में 45 में, तो 9 का 5 बार पढ़ेंगे 9 × 5 = 45 यानी कि भागफल इसका कितना आ गया 5। तो इससे जब हम भाग लगाएंगे तो इसका भागफल जो इसमें आएगा जो बॉक्स में भरेगा उसका आंसर कितना होगा 5। चलिए टाइप नंबर 3 में आप लोग के लिए हम क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपको पहला वाला बॉक्स भरा हुआ है यानी 54 दिया हुआ, उसके बाद अब देखिए ये दोनों बॉक्स खाली है, ये दोनों बॉक्स खाली है, उसके बाद इससे जो दो बॉक्स बना तो एक में 9 और एक में 3, यानी कि आप इस दोनों में जिस प्रकार से आप कैलकुलेशन इधर वाले टाइप में किए हैं आप कैलकुलेशन करके इस वाले बॉक्स को भर सकते हैं। देखिए माना कि प्रथम घर यानी कि प्रथम जो बॉक्स है उसको हम ए मान सकते हैं और दूसरा वाला जो बॉक्स है उसे हम बी मान सकते हैं और उसे ए और बी करके आप आंसर टाइप कर सकते हैं और कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों से कि आप टाइप 1 और टाइप 2 बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, तो टाइप 3 में जो ए और बी का आंसर याद करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यानी क्वेश्चन का सोल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पास मैसेज कीजिएगा और क्या आंसर ए और आंसर बी यानी बॉक्स नंबर ए और बॉक्स नंबर बी। तो चलिए इस तरीके के वीडियो आप लोगों के सामने हमेशा
आते रहेगा। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एलसीएम निकालने का जो नया तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।